प्रतिनियुक्ति पर तैनात बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों ने साल 2020 की चल अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी। लिहाजा गृह विभाग ने गृह मंत्रालय के निदेशक पुलिस को पत्र लिखा है, उसमें एक माह का समय देते हुए स्पष्टीकरण पूछे जाने का अनुरोध किया गया है और नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे गए लगभग 11 आईपीएस अधिकारियों ने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। सरकार की परेशानी बढ़ गई है और इस संबंध में सरकार ने अब एक निर्देश जारी किया है। हम बता रहे हैं आपको निर्देश क्या है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं बिहार के आईपीएस 11 आईपीएस अधिकारी। उन्होंने अभी तक चल अचल संपत्ति का कोई भी ब्यौरा माने संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया। इन अधिकारियों में शीलवर्धन सिंह, एस ए राजन, मनमोहन सिंह, नीरज सिन्हा, प्रवीण वशिष्ठ, पीड़िता वर्मा, अरविंद कुमार, परेश सक्सेना, जगमोहन, पंकज कुमार दलार, ओएन भास्कर शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में कल रात एक निर्देश जारी किया है। वो निर्देश जारी किया गया है निदेशक पुलिस गृह मंत्रालय भारत सरकार के नाम से, जिन सभी अधिकारियों को तत्काल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया जाए। अगर ये ब्यौरा नहीं देंगे तो आगे आने वाले एक महीने के अंदर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होगी और इनके खिलाफ सरकार के नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने पहले भी कई बार इन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि सभी आईएएस आईपीएस अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा दें, जिसमें 11 आईपीएस अधिकारी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। अब इनकी परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल इन सभी को निर्देश जारी किया गया है कि जल्द से जल्द संपत्ति का ब्यौरा दें, नहीं तो इनके खिलाफ सरकार के नियम के अनुसार विभागीय कार्रवाई होगी। सहयोगी राजेश के साथ मरकुबालम, कशिश न्यूज़।